बीजेपी की कद्दावर नेता और पार्टी में महिला योद्धा मानी जाने वाली पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का निधन हो गया है। सुषमा स्वराज 67 साल की थी। उनकी मौत के बाद न सिर्फ बीजेपी बल्कि देश की राजनीति को बड़ी क्षति पहुंची है। उनके निधन के बाद देश में शोक की लहर है। पक्ष और विपक्ष का हर कोई नेता उनके निधन पर भावुक है। उधर देर रात हुए उनके निधन के बाद आज सुबह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, जहां पीएम मोदी बेहद भावुक दिखाई दिए। पीएम मोदी की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर मायूसी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पीएम मोदी सुषमा स्वराज के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देते वक्त भावुक हो गए। बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में सुषमा स्वराज की अहम भूमिका रही। शायद यही वजह थी कि पीएम मोदी ने उन्हें अपनी सरकार में विदेश मंत्री की एक अहम जिम्मेदारी दी। हालांकि सरकार के कार्यकाल के अलावा पार्टी में उनकी कई यादें रही हैं, जिन्हें याद कर पीएम मोदी अपने आंसू रोक न पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।